कासगंज टायर पंक्चर की दुकान संचालक को अज्ञात बाइक सवार युवकों ने मारी गोली। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में शाम ढलते ही टायर पंक्चर की दुकान संचालक को अज्ञात बाइक सवारों ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। जहां बहेड़िया गांव निवासी ओमवीर सिंह का बेटा विदेश टायर पंक्चर की दुकान चलाता है, वो अपने साथी के साथ बाइक पर आया। गुरुवार देर शाम पौने 9 बजे के तकरीबन ललित नाम का युवक और तवंचा निकालकर बिरेश को गोली मार दी। फिलहाल कारण क्या था ये स्पष्ट नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बिरेश की मामू स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे ने घटनास्थल पहुंचकर स्थल का मुआयना किया। मौके से एक मोटरसाइकिल बरामद की जो ललित कुमार की है, जिसके द्वारा विदेश यादव पर गोली चलाकर घायल कर देना प्रतीत हुआ है। जल्द ही गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी है। क्या नाम है डॉक्टर आपका? मैं डॉक्टर कैलाश बाबू। सर अभी एक पेशेंट आया था गोली लगा हुआ, क्या है उसका हालत? जो भी गोली लगा पेशेंट आया उसका नाम वीरेश है, पिता का नाम ओमवीर सिंह है। उसको चेस्ट के इंटीरियर पार्ट में गोली लगी हुई है और उसका सीरियस कंडीशन पे आते हैं उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और मेडिको लीगल करते हुए उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। सर बहेड़िया में एक गोली चलने की सूचना मिली है, क्या है ये पूरा मामला? थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज में बाईपास स्थित बहेड़िया गांव में वीरेश यादव पुत्र ओमवीर सिंह यादव उम्र लगभग 28 साल को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही पीड़ित को जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल वास्ते इलाज भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर उसको रेफर किया गया है। मौके से एक बाइक बरामद हुई है। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि ललित नामक व्यक्ति की वह बाइक है और उसी के द्वारा उसको गोली मारी गई है। अन्य जो वस्तुएं यहां से प्राप्त हो रही हैं उनकी तहकीकात की जा रही है, छानबीन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ित को वास्ते बेहतर उपचार हायर सेंटर भेजा जाएगा।